क्या फ़ायदा इतनी महंगी गाड़ी लेने का यार, इससे अच्छा मैं ऑल्टो ले लेता, उधर चैंचो आ जाता मुझे। एक और डाउनफॉल ये है कि स्मार्ट हाइब्रिड किस चीज़ का लिखा है भाई, गाड़ी हाइब्रिड में एक कदम भी नहीं चल पाती, और किस चीज़ का हाइब्रिड। आई डोंट थिंक सो कि मैं मेरा ये एक्सपीरियंस लेके मैं फिर से वापस मारुति के पास जाऊँगा ना, ये कभी होने नहीं वाला और होगा भी नहीं। ओनरशिप रिव्यू लेके आया हूँ आपके लिए, सो मैं मेरी गाड़ी के ऊपर ओनरशिप रिव्यू करूँगा आज, सो बताऊँगा कि इसमें पॉजिटिव्स क्या है और नेगेटिव्स क्या है। सो या लेट्स स्टार्ट इट। दिस इज माई मारुति सी एस 2019 मॉडल एंड वेरियंट है एल्फा, सिल्वर कलर की है। सो या मैं इस वीडियो में हर एक चीज़ इसको टारगेट करूँगा, अच्छा बुरा क्या है वो सब। इन 3 सालों में, 2019 में लिया था मैंने अक्टूबर टू बी प्रिसाइज, इन 3 सालों में जो भी मेरे अप्स एंड डाउन्स आए हैं इन गाड़ी के साथ, वो सारा मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। सो या पहले मैं आपको स्नीक पिक देना चाहता हूँ। ये गाड़ी 4.5 मीटर्स ऑलमोस्ट लेंथ की मिल जाती है आपको, बहुत अच्छा बूस्ट स्पेस मिल जाता है 510 लीटर्स का, और एडीडी लैम्प्स देखा जाए तो हेडलैम्प्स देखा जाए तो बहुत ही स्टनिंग है सच, और डिज़ाइन भी बहुत स्लीक है समहाउ। सो या ये सभी इसके थोड़े फीचर्स मैंने आपको बताए, तो कैसा है क्या है डायमेंशन क्या है वो मैंने आपको बताया। अलॉय व्हील्स भी बहुत खास करके बहुत अच्छे हैं इसके दिखने में। सो या पहले बताना चाहूँगा कि इसके अंदर मिलता है आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 103 bhp ऑफ पावर और 138 nm ऑफ टॉर्क। सो या डिसेंट अमाउंट ऑफ पावर दे देता है, विच इज़ डिसेंट, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत ही अच्छा है, ये इंजन बहुत शांत है, काम है, कंपोज्ड है। पीछे से भी देखा जाए तो बहुत प्रोपोर्शनेट दिखता है गाड़ी, ऐसा नहीं है कि आगे कोई अलग डिज़ाइन एलिमेंट है पीछे कुछ और है, बहुत प्रोपोर्शनेट है और रात को ज़्यादा खूबसूरत लगती है, ये होगी अच्छी बात है। मुझे ये गाड़ी में प्रॉपर बताऊँ तो अच्छी बात ये लगती है कि गाड़ी बहुत ही स्टाइलिश है, बहुत ही अच्छे दिखने में, लोग पीछे मुड़ के देखते कभी कभार रात को, जब तक उनको पता नहीं होता कि वो ये मारुति है इसलिए मतलब कोई दिखता नहीं है। जब तक रात को ऐसा दिखता है कि हाँ दूर से कोई गाड़ी आ रही है तो लोग देखते हैं, मुड़ मुड़ के देखते हैं फॉर श्योर। एंड हेडलैम्प्स भी बहुत पावरफुल है इसके, जो मुझे इसके प्लस पॉइंट में से एक लगता है। लेट्स गो टू द ड्राइवर सीट्स, देखते हैं कैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिखाना चाहूँगा कि मैंने कितना चला चुका हूँ ये गाड़ी। या लेट्स स्टार्ट इट। सो मेरी गाड़ी है सर चली हुई है 9025 किलोमीटर्स, जस्ट 9025 किलोमीटर्स ही मैं चला चुका हूँ। उसका भी बहुत बड़ा रीज़न है, बिकॉज ये चलने से ज़्यादा सर्विस सेंटर में पड़ी रहती है ये गाड़ी। ये गाड़ी का डिलीवरी मैंने दिवाली के टाइम पे लिया था 2019 28 अक्टूबर। सो तब मुझे डिलीवर हुई थी ये गाड़ी। सो तब हुआ क्या था कि उनके जो शोरूम में कोई वर्कर्स ही नहीं थे, कोई स्टाफ मेम्बर कोई नहीं था, जस्ट जो एक बंदा था डिलीवर करने के लिए बस वो ही एक अवेलेबल था। तो मुझे पूरी गाड़ी इवन साफ़ होके भी नहीं मिली, रिबन तो दूर की बात है, हम 12 लाख की गाड़ी ले रहे हैं, एक रिबन तक नहीं था गाड़ी के अंदर। और जब मैं नेक्स्ट डे नोटिस किया था तब इसके अंदर एक बड़ा जो ग्रिल था वो पूरा टूटा हुआ था, मतलब इधर से एक बड़ा क्रैक था। और जब मैं चेंज करवाने गया कि देवर लाइक कि आपने कुछ किया होगा। तो एट लास्ट जाके बवाल करने के बाद जाके उन लोगों ने चेंज किया था ये चीज़। सो मैं बहुत पहले से बहुत डिसअपॉइंट था इस गाड़ी की वजह से। और सेकेंडली ये है कि कलर, बेसिकली ये कलर बहुत ही अच्छा है जमा, बट इसके अंदर भी स्क्रैच दिखते हैं। मेरे गलियों के कुत्ते मतलब भाई साहब अलग ही लेवल के हैं, ऊपर गाड़ी के ऊपर खोदम खोद करते हैं, और मतलब इसके अंदर इतने स्क्रैचेस दिखते हैं मेरे। मैंने सिरेमिक कोटिंग करवा के देख लिया, सब कुछ कर दिया, वैक्सिंग कोटिंग सब कुछ कर लिया, तो भी स्क्रैच जाते ही नहीं है इसके अंदर से, मतलब कलर में आइडेंटिफाई होता है, कोई भी आके पास में से देखे कि हाँ यार स्क्रैच है, दिख जाता है इस कार के अंदर। या सो वो एक बात है जो मुझे खटकती है, बाकी तो जो बूट स्पेस भाई साहब मारुति ने अवेलेबल करवाया गया है आप देख ही सकते हो, मैसिव सा बूट स्पेस आपको इसके अंदर मिल जाता है। और जो एक और डाउनफॉल ये है कि स्मार्ट हाइब्रिड किस चीज़ का लिखा है भाई, गाड़ी हाइब्रिड में एक कदम भी नहीं चल पाती, और किस चीज़ का हाइब्रिड दिया है। अरे हाइब्रिड हटा के, हाइब्रिड जस्ट इन लोगों ने आपको अट्रैक्ट करने के लिए दिया है कि हाँ यार हाइब्रिड कुछ है,
लोगों को पता नहीं है कि हाइब्रिड है क्या। अभी तक रूरल एरियाज में लोगों को उतना पता नहीं है, जानकारी नहीं है कि हाइब्रिड है क्या। मोस्ट ऑफ ऑल इसमें सिर्फ स्टार्ट स्टॉप सिस्टम है, दैट्स इट, और एक लिथियम आयन बैटरी है जो पीछे लगा हुआ है, वो भी मतलब थोड़ा सा बूस्ट कुछ देता है जिसका फ़र्क आपको पता भी नहीं चलता। गाड़ी जब चलाओगे तब बिल्कुल एविडेंट नहीं है वो चीज़। पता नहीं क्यों स्मार्ट हाइब्रिड लिख के रखा है, और उसका भी एक रीज़न उसमें तो भाई साहब अलग ही। मेरी गाड़ी 2 बार रिकॉल के लिए चली जा चुकी है ये गाड़ी। एक बार की मतलब कोई आपको फॉल्ट है तो हम चेक करना चाहते करके वो एक बार लेके गए। सेकेंड टाइम तो पूरा एक पार्ट चेंज करना था, एक मोटर कुछ चेंज करना था, इलेक्ट्रिक मोटर अंदर जो है वो चेंज करना था उनको, कि भाई साहब बोल रहे हैं कि मारुति वाले सारे रिकॉल कर रहे हैं, और मुझे उस दिन का वो पूरा दिन चक्कर लगाना पड़ा। भाई तुम गाड़ी बना रहे हो, आई नो कभी कभार गाड़ी बनाने में तकलीफ हो जाता है, बट एक बार होता है वो। तुम एक बार बुला लिया, नेक्स्ट डे दूसरी बार बुलाओगे, अब तीसरी बार बुलाओगे क्या? इससे रीसेल में वैल्यू में बहुत वो होता है, मतलब बहुत गिरावट हो जाती है ये चीज़ जब नोटिस करते हो ना तब। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है इस कार की, द लेग स्पेस। लेग स्पेस इज मैसिव, लिटरली इस गाड़ी को आप एलेंट्रा के साथ कंपेयर कर सकते हो लेग स्पेस के मामले में। या बट अंडर दाई सपोर्ट बिट लो है, वो ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत बेहतरीन हो जाता। एंड जो एम्बियंस है इंटीरियर का वो भी बहुत अच्छा है, प्रीमियम लगता है, बहुत लिटरली बहुत प्रीमियम लगता है। सो ये गाड़ी का कैसा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी है भाई साहब, और बुरी बात है मतलब वाहियात है ये, ऐसा कुछ गाड़ी है ये, मेरे एक्सपीरियंस में मैं ये बता रहा हूँ। नो डाउट गाड़ी चलने में मक्खन है, इसका सस्पेंशन बहुत ही ब्रिलियंट है, चलते है तो मतलब कोई खड्डा पता नहीं चलता, लिटरली वो टाइप का सस्पेंशन है इसके अंदर, बहुत सॉफ्ट है। बट जो क्वालिटी है यूज़ किया गया मारुति ने वो खटकती है बहुत। मैं इसमें एक वीडियो इंक्लूड करना चाहूँगा, या वैसे ही आवाज़ मुझे 1 साल के अंदर की गाड़ी में से आ रहा है, एंड दे वर लाइक कि ये हर मारुति की गाड़ी में आता है ऐसी आवाज़। मतलब यार तुम ऐसा बोल कैसे सकते हो यार, तुम ऐसा बोल कैसे सकते हो कि हर मारुति की गाड़ी में ऐसा आवाज़ आता है, मैंने तो कभी नहीं सुना लिटरली यार। मतलब क्या फ़ायदा इतनी महंगी गाड़ी लेने का यार, इससे अच्छा मैं ऑल्टो ले लेता, उधर चहचो आ जाता, मुझे कोई वांदा नहीं था, कम से कम ऐसा रिग्रेट तो नहीं होता यार। मैंने एक और चीज़ फेस किया इस गाड़ी में, मैं जो भी है वो सच बताना चाहूँगा, पूरा वीडियो में जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है वो सभी एक एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जब मैं इसको 2 साल ही हुआ था ये गाड़ी को संभाव, तो अचानक से इसमें रैटलिंग साउंड आ गया। मतलब भाई साहब ये जो पैनल है उधर से खड़खड़ खड़खड़ साउंड आ जाता, और बहुत ही इरिटेटिंग साउंड था वो, लिटरली बहुत इरिटेटिंग था। मैं उस चीज़ के लिए 3 से 4 बार सर्विस सेंटर के धक्का खा चुका हूँ। वो बोल रहा है सर कुछ नहीं है, वो तो हर मारुति में आता है। सेकेंड टाइम लिखा सर हमने IRVM है वो लूज़ था वो फिट कर दिया, एंड वो ही उधर सर्विस सेंटर से बाहर लेके जाता वो वापस आवाज़ आना चालू हो जाता था। प्रॉब्लम ये था, एट लास्ट में सॉल्व हुआ, वो कैसे, पूरे गाड़ी का मैंने ये जो वॉशर है वो पूरा खुलवाया, वो खुलवा के नया वॉशर डलवा के फिर ये पूरा जो चीज़ है जो खड़खड़ आने वाली चीज़ है वो ठीक हुआ। और लिटरली प्लास्टिक क्वालिटी बहुत गंदा है, मतलब यार एक मिनट मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, आप सुन पा रहे होंगे कुछ खड़खड़ करके। प्लास्टिक क्वालिटी बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। जो 13 लाख की गाड़ी का जो यूज़ करना था वैसा नहीं है, ये 7 लाख की गाड़ी का जो इंटीरियर उन लोगों ने बना के दिया है, प्लास्टिक क्वालिटी बना के दिया है। सो प्रॉब्लम है सच उतना गाड़ी में है नहीं, हाँ गाड़ी में है प्रॉब्लम, बट मेन प्रॉब्लम क्या है, सर्विस सेंटर्स का है। मारुति अभी ऐसा उन्होंने सिर्फ कस्टमर को ग्रांटेड ले लिया है, कि मतलब यार वो बोलेंगे जो करेंगे, अपने तो अपने मर्जी के मालिक है, उनका जो एटीट्यूड है वो हो चुका है, जो इंडियन मार्केट कार ब्रांड के लिए बहुत बेकार है लिटरली। मारुति मैं ये आपको टैग करके लिख रहा हूँ कि ये चीज़ बहुत ही बेकार है, सर्विस सेंटर्स बहुत ही गंदी तरह से ट्रीट कर रहे हैं, उनको टेक्निकलिटी का कुछ मतलब ही नहीं पता है।
मैं सब चीज़ों सारे ब्रांड के लिए नहीं बोल रहा, सारे मारुति के डीलरशिप के लिए नहीं बोल रहा, कुछ गिने चुने हैं जो मैं रिवील नहीं करना चाहता, बट उनके लिए मैं बोल रहा हूँ ये चीज़। सो प्लीज़ अगर किसी को बुरा लग रहा हो तो माफ़ कीजिए, मुझे लिटरली माफ़ कीजिए, बट मैं अपने जो अंदर की बात है वो जस्ट बता रहा हूँ, जो मुझे जो फील हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ, जो मेरा एग्रेशन है वो मैं बता रहा हूँ। जब एक साथ एक बार मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ इसमें कि भाई साहब मैं जस्ट सर्विस सेंटर से बाहर लेके गया, इधर जो इंजन स्टार्ट स्टॉप का जो ये जो साइन आता है ऑटो स्टार्ट स्टॉप का, वो ब्लिंक होने लगा था जस्ट सर्विस सेंटर से बाहर निकला तो। एंड वापस मुझे जाना पड़ा सर्विस सेंटर में दिखाने के लिए कि भाई साहब ये है क्या। तो उन लोगों ने पाया गया कि कपलर में कोई कपलर है ऐसा कुछ में कोई इश्यू है, वो फिर सॉर्ट आउट किया। मतलब ऐसे एक एक इश्यूज आते रह रहे, ख़त्म ही नहीं हो रहे। अभी जस्ट 2 वीक पहले मेरा जो माइलेज था वो मैं अभी स्क्रीनशॉट सेंड करना चाहता हूँ, सो मैं रख दूँगा। या माइलेज मुझे सिर्फ 13-12 का मिल रहा था, सिर्फ 13-12 का। मतलब जब पॉसिबल है ही नहीं, अभी भी जस्ट 14.5 का ही एवरेज है, और मैं बहुत लीन ड्राइव करता हूँ, मैं ऐसा भी नहीं हैवी फुटेड ड्राइव करता हूँ, बहुत लीन ड्राइव करता हूँ। पता नहीं क्यों यार, मतलब क्या चीज़ चल रहा है, क्या है पता नहीं चल रहा है इस गाड़ी के अंदर। सर्विस सेंटर सुधर जाए तो बहुत अच्छा होगा एक्सपीरियंस मेरा। मेरा तो मतलब यही एक्सपीरियंस है कि भाई साहब गाड़ी तुम बनाते हो तो उसका आफ्टर सेल सर्विस भी किया करो अच्छे से। MG उस बात के लिए बहुत अच्छी ब्रांड है, फॉर टिल नाउ बहुत अच्छे से कस्टमर सर्विसेज वो अटेंड कर रहे हैं, वो एक बहुत। और स्कॉडा भी एक ऐसी ब्रांड है कि अपना कस्टमर्स को वो लोग रिटेन करना जानते हैं। अभी आई डोंट थिंक सो कि मैं मेरा ये एक्सपीरियंस लेके मैं फिर से वापस मारुति के पास जाऊंगा ना, ये कभी होने नहीं वाला और होगा भी नहीं। दिस वॉज माई लास्ट कार ऑफ मारुति। अगर ऐसी गाड़ी बनाती है तो नहीं चाहिए भाई, माफ़ करो, क्योंकि इतना धक्के खाना टाइम नहीं है किसी के पास कि आज के ज़माने में कि तुम 5-6 बार बैठ के सर्विस सेंटर में रख लो। सो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस सर्विस। कार नो डाउट अच्छा है, आप अगर एक अच्छे डीलरशिप से लेते हो तो आप लीजिए, नो डाउट अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, क्रूज़ कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, बट हाँ थोड़ा आउटडेटेड हो गया है फॉर 2022। तो एयरबैग्स की कमी मिल जाती है इसके अंदर, मतलब ऐसा है थोड़ा सा, बट यार डिसेंट है गाड़ी, वैल्यू फॉर मनी है, बट थोड़ी सी है बात है यार, अप्स एंड डाउन्स है इस गाड़ी में जो हर गाड़ी में होती है, बट इसमें थोड़ा ज़्यादा है। दैट्स ऑल टू से, थैंक यू सो मच। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।